हाँ भाई बेटा, लास्ट फाइव क्वेश्चन कहने वाला 96 क्वेश्चन बेटा। क्या कह रहा है? मैच द कॉलम है, बूढ़ा में राइट एंगल ट्रायंगल हैज लेग बन, जो भी दे रखा है, हाइपोटेनस जो भी दे रखा है, एक्स और वाई सब कुछ दे रखा है। यहाँ से बेटा, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बेटा? यदि ये थीटा है तो टेन थीटा क्या बोल सकता हूँ बताओ मैं? टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन, ठीक है। और सेक थीटा इज इक्वल टू बोलो तो सेक थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन वन। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी थी, बस सीधा सीधा इजी क्वेश्चन था। तो क्या कह रहे हैं बताओ? ए पार्ट बोलो, ए पार्ट है हमारा लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू रूट बाय यानी रूट ऑफ सेक थीटा माइनस रूट ऑफ टेन थीटा। क्लियर? तो यहां से क्या बोल रहे हैं बताओ? ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बेटा क्या किया, ये क्लियर है? रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, साइन कॉस में ब्रेक करें बेटा तो ये आ गया वन माइनस साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस थीटा इंटू वन माइनस वन प्लस रूट ऑफ साइन थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू। कोई डाउट है? अब बेटा पाई बाई टू वैल्यू यहाँ तो रख सकते हैं, तो वन बाई टू तो ये आगे बाहर, लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू वन माइनस साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस थीटा। क्लियर है? अब बताओ तो क्या करें यहाँ से? मैंने पाई बाई टू प्लस या पाई बाई टू माइनस थीटा रख दूँ बेटा? प्लस तो हमारे उसमें है ही नहीं है, पाई बाई टू माइनस ही रखना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या रखा बेटा मैंने? पाई बाई टू, चाहो तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो भाई, पाई बाई टू माइनस एच। तो क्या हो जाएगा? वन बाई टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एच अपॉन साइन एच रूट के अंदर बोलो तो अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन रूट एच इंटू रूट एच। तो ये वन बाई टू, तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू अपॉन वन इंटू जीरो बचेगा बेटा एच की पावर थ्री बाई टू, तो आंसर इज जीरो। तो पहले का आंसर जीरो यानी पी हो गया बेटा। दूसरा वाई माइनस एक्स ही पूछ रहे डायरेक्ट, वाई माइनस एक्स का मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बेटा। तो देखो दूसरा क्या कह रहे हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बेटा, देखते हैं। निकाल लोगे यार इजीली, लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होगा। कोई डाउट है? बताओ क्या लिख दें? थीटा की जगह पाई बाई टू माइनस एच रख दो, तो भाई पाई बाई टू माइनस एच, तो आंसर क्या देगा ये? वन माइनस कॉस एच अपॉन साइन एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। क्या रखा है बेटा? पाई बाई टू माइनस एच। आंसर दिख रहा है क्या? वन माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन साइन एच अपॉन एच इंटू एच। ये वन बाई टू, ये वन इंटू जीरो, तो आंसर इज जीरो, वन बाई टू अपॉन वन इंटू जीरो। तो अगेन इसका आंसर भी क्या हो गया बेटा? पी हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये तो सर डायरेक्ट ही वन होता है, सेक स्क्वायर डीटा माइनस टेन स्क्वायर डीटा वन हो गया, यानी ये तो डायरेक्ट आर हो गया, लिमिट की जरूरत ही नहीं थी, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं है। यहाँ से बेटा सेक क्यू माइनस टेन क्यू, इसको क्या ले सकते हैं? फैक्टर करके ले सकते हैं। तो बताओ क्या आएगा लास्ट डी में? क्या बोल रहे हैं बेटा हम? डी में आएगा हमारा लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा रूट में अंदर आएगा इंटू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस रूट ऑफ
sec theta tan theta, theta tending to pi by 2 बेटा, यहां से इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी जा रहा है, ये तो भाई क्या जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, और ये जीरो जा रहा है, तो देखो क्या कह रहे हैं, ये जीरो था बेटा, ध्यान होता आपको लिमिट इसकी, तो साइन कॉस में ब्रेक करो तो क्या आएगा, ये वन माइनस साइन थीटा, तो चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, रूट के अंदर इनटू, इसको कन्वर्ट करो साइन कॉस में बेटा, क्या देगा ये, वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दे रखा है, तो यानी कितना आ गया लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाई थीटा, और बोलो तो ये क्या है, वन माइनस साइन थीटा अपॉन ये कितना देगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा यहाँ से आएगा, एक कॉस थीटा यहाँ से आएगा, पर एक यहाँ से और आएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा, इंटू वन प्लस रूट साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा प्लस रूट साइन थीटा, तो आंसर दिख रहा है अब तो भाई यहाँ पर, लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पाई बाई टू माइनस थीटा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन की पावर थ्री बाई टू थीटा, ये कितना हो गया बेटा, वन 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 थ्री बाई टू, आंसर कितना हो गया बताओ, इन्फिनिटी कैसे, वन माइनस कॉस एच बेटा, सॉरी एच कर दिया मैंने, पाई बाई टू माइनस एच रख दिया बेटा, तो बताओ आंसर कितना होगा, वन माइनस कॉस एच, वन माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर इन टू एच स्क्वायर अपॉन साइन की पावर थ्री बाई टू एच अपॉन एच की पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू बच रहा है ना, फाइव बाई टू बेटा, सॉरी एक यहाँ से था, एक यहाँ से और एक यहाँ से, कितना आएगा फाइव बाई टू, तो कितना है यहाँ से फाइव बाई टू इन टू एच की पावर फाइव बाई टू, ये बन रहा है। अब बताओ रिजल्ट क्या दिख रहा है यहाँ से हमें, रिजल्ट सीधा सीधा ही दिख रहा है यहाँ से, क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, ये वन बाई टू, ये वन, नीचे एच की पावर वन बाई टू बचेगा, तो नीचे जीरो बचेगा, यानी इन्फिनिटी देना, तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा इसका, एस हो गया, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, हाँ भाई 97। पहले मैं तो किसी पॉइंट की किसी प्लेन में इमेज बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई मैं, एक्स माइनस एक्स वन थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस फाइव अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस सेवन अपॉन वन इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ, बोलना तो बेटा सिक्स फाइव सेवन, सिक्स फाइव सेवन, सिक्स प्लस फाइव प्लस सेवन अपॉन फोर प्लस वन प्लस वन, फोर प्लस वन प्लस वन, ये टोटली बेटा कितना हो रहा है, एट्टीन थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स बाई सिक्स माइनस सिक्स, यानी ये टोटली माइनस सिक्स हो रहा है, तो बताओ x इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस सिक्स माइनस वन एंड जेड इज इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स, सेवन माइनस सिक्स इज वन, नाइन माइनस वन वन, यानी ऐसा आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या पूछ रहा है बेटा, फुट पूछ रहा है डायरेक्ट अगेन, बताओ फुट का भी फॉर्मूला, माइनस टू यहाँ से टू हट जाएगा, लिख देता हूँ कैलकुलेशन करना, ये तो ए हो गया बेटा, बी में एक्स माइनस सेवन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस फोर्टीन अपॉन फोर इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, रखो तो फोर्टीन प्लस फिफ्टी सिक्स माइनस फाइव माइनस टू अपॉन फोर सिक्सटीन वन,
कैलकुलेट करोगे बेटा 416 है बेटा, है ना, कैलकुलेशन करो रिजल्ट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा बी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में क्या बोल रहा है बेटा हमारा सी पॉइंट, ए बी दे रखें, सी दे रखें और एक रिजल्ट दे रखा है बेटा, क्या इधर देखो तो आर क्रॉस बी माइनस आर क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं सी क्रॉस बी है इधर वाले में, आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो बेटा, तो यहां से आर माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर में भाई, तो बताओ क्या लिख सकते हैं हम, आर माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, तो आर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब लैम्डा को निकालने के लिए एक कंडीशन और दे रखी हमें, क्या डॉट प्रोडक्ट विद ए, डॉट विद ए कर रहे हैं तो जीरो इज इक्वल टू सी डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट ए या ए डॉट बी, एक ही बात है दोनों बेटा, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा सी वेक्टर माइनस सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए वेक्टर है भाई इनटू बी वेक्टर। कैलकुलेशन कर लोगे आप, सी मालूम है सी डॉट ए निकाल सकते हो, बी डॉट ए निकाल सकते हो, बी मालूम है, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन इसका डी है, इफ ए इतना बी इतने कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर देन कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर 2x व्हिच इज कोप्लेनर विद ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू बी, बेटा कोई भी 2x वेक्टर किसके कोप्लेनर है ए और बी के, और किसके परपेंडिकुलर है बी के, लैम्डा टाइम्स कोई भी, तो मैग्नीट्यूड नहीं पता भाई हमें, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 2x वेक्टर इज इक्वल टू बोलो बेटा ए डॉट बी इंटू बी वैक्टर माइनस बी डॉट बी इंटू ए वैक्टर इंटू लैम्डा, तो 2x वेक्टर इज इक्वल टू सॉल्व कर सकते हो बेटा ये ए डॉट बी, ए डॉट बी 2 और 1 3 हो रहा है बेटा, तो 3 बी वैक्टर माइनस बी डॉट बी ये भी 3 हो रहा है बेटा 3 ए वैक्टर इंटू लैम्डा एंड 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ये माइनस ए माइनस आई प्लस जे, मैंने डी कर रहा था यार, डी कर रहे हैं बेटा सी नहीं, यहां से लिख रहे हैं दोबारा, बताओ ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना बेटा माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन इंटू बी वैक्टर माइनस बी डॉट बी बेटा 5 ए वेक्टर इंटू लैम्डा यानी माइनस 5 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू लैम्डा, सॉल्व कर सकते हो भाई। और क्या कह रहा है हमें बेटा ए डॉट एक्स 7 दे रखा है, ए डॉट एक्स डॉट विद ए कर दें तो डॉट विद ए क्या देगा 14 इज इक्वल टू माइनस 5 ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी इंटू लैम्डा, ए डॉट ए निकाल सकते हो, ए डॉट बी निकाल सकते हो, लैम्डा आ जाएगा बेटा, लैम्डा आ जाएगा तो 2x फैक्टर आ जाएगा, 2x फैक्टर फाइंड आउट करना, लिख देता हूँ ए डॉट ए कितना बताओ 3, ए डॉट बी 5 है 3 5 कितना हो गया ए डॉट बी माइनस 1, माइनस 1 निकाला था अभी तो कितना आगे बताओ 14 इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा माइनस, यार आंसर आ जाएगा, क्लियर। बोल रहे बेटा मैच द फॉलोइंग अगेन, क्या दे रखा है जेड वन जेड टू दे रखे हैं, आर्गुमेंट ऑफ हिंदी पूछ रहा है, ये क्या लिख सकता हूँ बताओ ये पार्ट में 4 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू लिख सकते हो, तो 4 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बेटा पाई बाई 4 माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू बेटा 1 बाई रूट 3 पाई बाई 6
तो सॉल्व कर लो कितना हो गया बेटा ये 2 1 पाई बाई 12 पाई बाई 3 हो गया शायद, तो कौन सा आंसर हो गया आर। बी में क्या बोल रहा है बेटा देखो, बी में बोल रहा है हमें एक सर्कल है जिसका सेंटर 0.1 और रेडियस √2 है। एक सर्कल जिसका सेंटर 0.1 और रेडियस √2 है बेटा, ये पॉइंट कोई 1.0 ही होगा, √2 तभी आएगी, ये -1.0, ये 0.1 ऐसा दे रखा है बेटा हमें। और एंगल भी किस किस का पूछ रहा है, 1 और -1 यानी इन्हीं पॉइंट्स का। तो पहले मैंने ये एंगल निकाला बेटा, इसकी स्लोप बोलो, ये माइनस ये, ये माइनस ये, -1 और इसकी स्लोप बोलो 1, दोनों का प्रोडक्ट -1 यानी ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, तो इधर कहीं भी बोलो कितना आएगा 45 डिग्री। क्लियर, इधर लोगे तो कितना 135 डिग्री, तो दोनों हो सकते थे, किस साइड में डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ पाई बाई 4 सिंगल करेक्ट में, तो नहीं तो दोनों होते बेटा, ये पाई बाई 4 भी और इस साइड में 3 पाई बाई 4 भी होगा, ये भी जाएगा और ये भी आंसर होगा, ठीक है। नहीं रीजन इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था बेटा, ठीक है। तो अपन जनरली क्योंकि सिंगल बोर्ड रखा है उसमें, इसने मल्टीपल में नहीं है, इसलिए ये इधर है। नेक्स्ट हमें बेटा क्या दे रखा है, जेड बार इज इक्वल टू -iw बार, तो जेड इज इक्वल टू iw लिख सकता हूँ बेटा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ w लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई बाई 2 बेटा। और यहां से हमें एक और दे रखा है क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्लू इज इक्वल टू पाई, और हमें जेड पूछ रहा है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जेड के लिए दोनों को ऐड कर दें, तो बताओ ऐड करोगे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 3π/2/2 3π/4 हो गया बेटा, तो आंसर इज पी आ जाएगा। और लास्ट है इसमें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखो क्या कह रहे हैं, बोल रहे बेटा मैं जेड स्क्वायर, जेड की जगह एक्स प्लस आई टू वाई रखा तो ये देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 प्लस 2i/xy के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, यही बोल रहे का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर रखा है बेटा मैंने, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x2y² इज इक्वल टू x² + y² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे देखो क्या क्या कंडीशन आएगी, यहाँ से x4 कैंसिल, y4 कैंसिल, 1 कैंसिल, -2x² प्लस ये इधर आ जाएगा, तो -4x² y² +2y² + 2y² कैंसिल, -2x² + 2x² तो -4x² + 4x² y² इज इक्वल टू 0, यानी क्या देख रहा है बेटा हमें, यदि x 0 है तो बताओ कहाँ पर होगा ये, यहाँ पर यानी इस लाइन पर, और इस लाइन पर हुआ तो कितना एंगल बेटा पाई बाई 2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 5/2 कितना, ठीक है। हाँ भाई बोल रहा है बेटा अ हाइपरबोला हूज एसिम्प्टोट्स आर इतने इज पासिंग थ्रू द पॉइंट इतने, देन द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन बोलो पहले, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स प्लस लैम्ब्डा बोल सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स बेटा एक्स प्लस 2y + 3 इंटू 3x + 4y + 5 + λ इज इक्वल टू 0, और ये कहाँ से पास हो रहा है 1, -1 रख दो भाई, 1, -1 1, -1 लिख ही देता हूँ मैं, 1, -1 3, -4 + 5 + λ इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया बेटा 2
ये 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है नहीं। और हमें पता है बेटा, याद हो तो एच माइनस ए इज इक्वल टू सी ए माइनस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट कितना है एच माइनस ए, एच माइनस ए करोगे तो लैम्डा आएगा बेटा, तो लैम्डा। तो हमें क्या चाहिए, हमें सी चाहिए। क्या मालूम है हमें, एस एम टूट्स कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एस एम टूट्स मालूम है बेटा, तो बताओ सी कितना हो जाएगा हमारा, ए माइनस लैम्डा, कितना हो जाएगा ए माइनस लैम्डा। ए माइनस लैम्डा का मतलब बोलो कितना हुआ, ए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एस एम टूट्स एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इंटू थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव माइनस प्लस एट लैम्डा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बताओ, इसमें ये इक्वेशन ये बोल रहा है, तो हमें एक तो एक्स का कॉफिशेंट चाहिए हमें, और एक कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए। एक्स का कॉफिशेंट और कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स का पहले तो कॉन्स्टेंट टर्म बेटा, ये कितना हुआ 15 और 8 23, यानी म्यू इज इक्वल टू कितना आगे बेटा 23। कॉन्स्टेंट एक्स का कॉफिशेंट बेटा, इसको इससे करेंगे तब आएगा, और इसको इससे करेंगे तब आएगा, तो कितना आ रहा है प्लस के 5 प्लस के 9, 9 और 5 14, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 14। अब जो भी है चेक कर लोगे, लैम्डा 14 और म्यू 23 रखो, सॉल्व करते जाओ, जो भी आंसर है आ जाएगा बेटा। चेक करना है कौन कौन से को सेटिस्फाई कर रहा है, सब में चेक करना पड़ेगा, इस बार आंसर ऐसे हैं और मल्टीपल में बेटा, आंसर्स मल्टीपल में, तो चेक करना ही पड़ेगा, कहने मतलब ये। मैंने लैम्डा और म्यू निकाल दिए, इसके बाद अपने आप करोगे। लैम्डा कितना था बेटा हमारा, लैम्डा 14 था शायद, और म्यू म्यू कितना था बेटा हमारा 23। नेक्स्ट में क्या करें बताओ, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इतने, पॉइंट इतने फ्रॉम द एलिप्स इतने। देखो क्या करा है, ये इक्वेशन क्या दे रखी है, सबसे पहले तो याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, तो इसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड होगा, यानी 5 से डिवाइड होगा। तो यानी क्या लिखा हुआ है, ये 3x प्लस 4y अपॉन 5 का होल स्क्वायर अपॉन, ये कितना बचा बेटा 36, 36 ही बच रहा है, 36 इसका मतलब 9 प्लस 4x माइनस 3y अपॉन 5 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन। अब क्या पूछ रहा है वो देखो, सबसे पहले तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इसका वर्टेक्स निकाल रहा हूँ बेटा। बताओ इसका वर्टेक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैपिटल एक्स बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू ए 3 और 5 15, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए होने को, तो दोनों चलो दोनों ही लिख देता हूँ, और कैपिटल वाई बेटा 4x नीचे लिख रहा हूँ इसके 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, तो जब वर्टेक्स निकालोगे तो यही आएंगे बेटा 9y 5 12y 5, एक और एक दूसरा और आएगा जो भी है। इसका मतलब ये वर्टेक्स है, इसका ये वर्टेक्स है, तो इधर ध्यान दो, कोई भी एक्चुअल डायग्राम तो ये ऐसे होगा, कोई जब हम तो शिफ्टिंग वाला लगा रहे हैं बेटा, तो ये पॉइंट वर्टेक्स पर ही था गिवन पॉइंट हमारा 9y 5 एंड 12y 5, तो बताओ मिनिमम तो 0 हो जाएगी और मैक्सिमम 2a के इक्वल हो जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम होगी बेटा, तो मिनिमम 0 कौन सा है, मिनिमम तो क्या बोल रहा है बेटा हमें इसमें लैम्डा, तो लैम्डा तो 0 आ गया, और मैक्सिमम बेटा 2a, 2a का मतलब 6 हो गई, तो लैम्डा 0 म्यू 6, चेक करो आंसर जो भी आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसका सी पार्ट, हमें बोल रहा है ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों सेम साइड में, ओरिजिन बेटा रखें तो बताओ कितना आएगा 3b, एंड ये रखो कौन सा 1,2 रखोगे तो 2a स्क्वायर
वन कॉमा टू बेटा टू ए बी प्लस थ्री बी इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों सेम साइड में, ये पॉजिटिव है पहले से ही बेटा, तो और क्या लिख सकते हो, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस थ्री बी ग्रेटर देन जीरो, तो डी लेस देन जीरो बेटा, तो फोर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री बी लेस देन जीरो, तो बी इंटू बी माइनस सिक्स इज लेस देन जीरो, तो बी कितना आ गया बेटा, बी बिलोंग्स टू जीरो टू सिक्स, क्या कह रहा है हमें, लैम्डा टू म्यू, तो ये अगेन लैम्डा ये म्यू, यानी पहले वाले जो आंसर हैं ये इसके हो जाएंगे, इस दोनों के आंसर सेम होंगे भाई, तो इसमें भी लैम्डा जीरो म्यू सिक्स था, इसमें भी लैम्डा जीरो म्यू सिक्स है बेटा, और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, इसमें बेटा थोड़ा सा करेक्शन कर लेना लास्ट वाले क्वेश्चन में, ये 168 16A नहीं है, ये 169 है बेटा, क्या ये 169 बेटा, ये क्या लिखा हुआ है याद करो, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर, तो इसका मतलब 169 का इधर डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करोगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 12y प्लस 19 अपॉन 13 का होल स्क्वायर, एक पैराबोला है, एसेंट्रिसिटी 1 है, दिख रहा है पैराबोला, फोकस कितना है बेटा 13, डायरेक्ट्रिक्स कितनी है बेटा 5x माइनस 12y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 अपॉन 13, ये वो हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर, अब हमें क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द एल आर ऑफ द हाइपरबोला, लेंथ ऑफ एल आर, एल आर कितनी होती थी बेटा 2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स 5 माइनस 36 प्लस 19 अपॉन 13, तो कितना हो गया 2 इंटू 19 और 5 24 माइनस 12 यानी 12 अपॉन 13 यानी 24 बाय 13, तो एक लैम्डा हो गया ये और ये म्यू, लैम्डा 24 म्यू 13, कैलकुलेशन चेक करोगे बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 100th क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहे हैं देखो, सबसे पहले तो ये दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है बेटा, मैं तो बताओ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 3x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस 3x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन कितना देगा, ए प्लस बी एन ए माइनस बी, ए प्लस बी रीड आउट करो तो बेटा साइन एक्स कॉस साइन थ्री एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस कॉस थ्री एक्स साइन एक्स, तो साइन ऑफ ए प्लस बी यानी साइन फोर एक्स इंटू, बोलो क्या आएगा, साइन थ्री एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स साइन एक्स साइन ऑफ ए माइनस बी साइन टू एक्स अपॉन इंटू फोर तो फोर अपॉन साइन स्क्वायर टू एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, स्कोर क्या लिख दिया 4 इंटू 2 इंटू साइन 2x कॉस 2x अपॉन साइन 2x, तो फाइनली ये क्या आ गया बेटा 8 कॉस 2x, क्या आ गया 8 कॉस 2x, इंटीग्रेशन कर दोगे 8 कॉस 2x का इजीली, तो ये तो अपना सॉल्व हो गया भाई। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले बेटा हम इसको थोड़ा सा 10 में कन्वर्ट किया, क्योंकि 10 में तो इसको भी मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, बताओ क्या लिखें, 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है या नहीं, यहाँ से क्या रिजल्ट दिख रहा है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x, क्लियर, तो ये वैल्यू इसके इक्वल लिखी हुई है।
अब मैंने क्या किया, ध्यान दो बेटा, लेट कितना, टेन एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स प्लस वन को टी मान लिया, और इसमें क्या किया, ध्यान दो अगेन, प्लस वन माइनस वन, तो कितना हो गया ये, वन माइनस टू टाइम्स ऑफ वन अपॉन टेन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट किया तो वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टेन एक्स का बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इधर देखो तो बेटा ये हमारे पास यही है, यानी यही है या नहीं, टेन सेक स्क्वायर एक्स को वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बोल सकता हूँ बेटा, यानी टू से डिवाइड और कर दूँ तो ये रिजल्ट क्या बन गया बेटा, इधर लिख रहा हूँ वन बाई टू टाइम्स ऑफ किसना टी की पावर कितना बेटा, वन अपॉन टू थाउजेंड नाइन, लिमिट जो भी रख दोगे कितना आ रहा है बताओ, पाई बाई टू पर, पाई बाई टू पर इससे डिवाइड करोगे बेटा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में तो कितना आ जाएगा वन, और पाई बाई फोर पर जीरो, सॉल्व कर सकते हो इजीली, एक्स की पावर एन बन रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 100 का सी पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है याद हो तो, क्या लिखें बताओ, इसका डेरिवेटिव एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, एक्स कॉस एक्स, तो हमने क्या लिखा इसको, ध्यान दो बेटा, जीरो टू पाई बाई टू एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, बाई पार्ट्स लगा दो बेटा, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, रिजल्ट क्या आएगा भाई हमारा, रिजल्ट आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव ऊपर है वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी, तो माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स अपॉन कॉस एक्स एज इट इज, एक्स 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 लिख दूं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, एक तो यही आएगा, इधर लिख रहा हूँ नीचे जगह कम है, एक्स एक एक्स सॉरी वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव बेटा एक्स अपॉन कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, ये रिजल्ट बेटा कैंसिल हो रहा है देखो, तो कितना आ गया ये कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स ऊपर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, यानी फाइनली क्या है रिजल्ट, लिमिट एक साथ ही लगा देता हूँ, तो रिजल्ट आया हमारा टेन एक्स माइनस एक्स एक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू पाई टू, लिमिट सॉल्व कर लोगे, क्लियर है। इसमें मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ बेटा दो मिनट के लिए, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, इसका यदि मैं और जनरलाइज फॉर्म लिखूँ तब भी आंसर ध्यान रखो ऐसा ही आता है भाई, क्या कह रहे हैं, इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या है बेटा, एक एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस एन कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यहां पर एन वन था तो जीरो हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली बेटा टेन एक्स माइनस एक्स एक एक्स अपॉन डिनोमीटर एक्स साइन एक्स प्लस एन कॉस एक्स प्लस सी, ध्यान रखोगे। अब इसमें कुछ भी लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सिक्स कॉस एक्स डी एक्स, एन की जगह सिक्स सिक्स फाइव थर्टी का होल स्क्वायर और है बेटे नीचे, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा बताओ, टेन एक्स माइनस एक्स एक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सिक्स कॉस एक्स प्लस, तो ये ध्यान रख सकते हो भाई, इजी है ये चीज़, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन इसमें दहली बेटा, दहली क्या है? सबसे पहले तो रेशनलाइज कर दिया बेटा, रेशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा बताओ, एल एन एक्स इंटू रूट ऑफ एल एन एक्स प्लस वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एल एन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल एन एक्स प्लस वन माइनस वन माइनस एल एन एक्स इंटू एक्स। यदि ये ध्यान से देख रहे हो बेटा तो ये टू एल एन एक्स और ये एल एन एक्स कैंसिल, तो क्या आ रहा है वन अपॉन टू रूट ऑफ एल एन एक्स प्लस वन माइनस रूट ऑफ, लिमिट लगा देना बेटा जहाँ तक भी है, वन माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। क्या समझ में आ रहा है, एल एन एक्स को टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी बेटा, आ रहा है समझ में? तो कितना हो गया वन अपॉन टू, बोलो भाई, जीरो टू वन रूट ऑफ टी प्लस वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस टी, ये बन रहा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन बाई टू बेटा, एक्स की पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री, तो दोनों में ही आएगा टू बाई थ्री, तो वन बाई टू इंटू टू बाई थ्री तो मैंने बाहर लिख दिया, टी प्लस वन की पावर थ्री बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा टी का, तो वन माइनस टी की पावर थ्री बाई टू, जीरो टू वन रख दो, वन रखोगे तो टू रूट टू ये जीरो, और जीरो रखोगे तो ये वन और ये वन माइनस टू हो गया क्या अपॉन थ्री, तो टू रूट टू माइनस टू अपॉन थ्री क्यू आंसर, क्लियर? तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक बेटा, आशा है बढ़िया तैयारी की होगी, जहाँ भी डाउट है वो ध्यान से देख लिए होंगे, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।